अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि सोचा और समझा और एनालाइज किया कि मुझे भी आप लोगों तक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर में आने वाली जो करेंसीज हैं, जो आज जो एग्जिस्ट करती है जो करेंसी, तो उसमें फ्यूचर का क्या रदम होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा। हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश सिर्फ ये करूँगा जो अपने लिमिटेड नॉलेज है जो मैंने सीखा है वो मैं जल्दी से आपको बता सकूँ। अगर आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग, बाइनेंस, इथेरियम, एडीए, जितनी करेंसी है, किसी की फ्लो चार्ट के बारे में कोई भी मालूम नहीं है, तो उससे भी अच्छा है कि ये बेस्ट टाइम है। एक साल आपको लगेगा, हाँ 7 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन होगा यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये भी याद रखिएगा कि मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये भी हो जाए, इसकी भी एक वजह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ लीक हो जाती है, जिस तरह की एलन मस्क का जो न्यूज़ था या चाइना ने जो न्यूज़ वो के लगे किसी भी करेंसी को इसको बैन कर दिया, तो इस सिचुएशन में मसला ये होता है कि मार्केट ऑटोमेटिकली या तो स्टेबल हो जाती है या मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितने करते हैं लोग और कितना यूजर इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो इथेरियम है वो 10K से लेकर 20K तक इस साल में जाएगा। इथेरियम की जो आज जो प्राइस है वो 3100 समथिंग है, 3200 समथिंग है, लेकिन ये जाएगा 20K और 10K के दरमियान में होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब जो न्यूज़ आ रही है, जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, सारे इथेरियम के टॉपिक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मार्केट की जो सिचुएशन है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि एक साल के बाद या इस एक साल के अंदर या इस एग्जिस्टिंग साल में मार्केट की जो इथेरियम का जो रेशो है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में अगर कोई ऐसी न्यूज़ लीक हो जाती है या कोई कंट्री किसी ज़्यादातर कंट्रीज इस चीज़ को मानती भी नहीं है, ज़्यादातर जिस तरह अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में P2P आप बैंक के जरिए आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, हाँ जैसे कैश, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, आप कर भी सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अगर मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिस तरह एलन मस्क का, तो ये जो 20K और 10K की जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये यहाँ तक ना पहुँचे, डिपेंड करता है। हाँ, आज की एग्जिस्टिंग न्यूज़ को देखकर, आज की जो सूरत हाल को देखकर इस साल में मार्केट आ रहा है कि ये 10K to 20K तक जाएगा, लेकिन अगर कोई न्यूज़ लीक हो गई या कोई इस तरह का वाक़या हो गया बाइनेंस की तरफ से या ट्रेडिंग या क्रिप्टोकरेंसी में या कोई कंट्री उसको बैन कर देती है, तो फिर उससे मार्केट ऑटोमेटिकली वो थोड़ा उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता जो स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है शायद वहां तक ना पहुंचे। सारा गेम क्या है, इथेरियम क्यों 10K और 20K के दरमियान जाएगा, मैं आपको ये चिंता हूँ। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड की बात है, चूंकि मैं इस फील्ड से इतना रिलेटेड नहीं हूँ कि सप्लाई, चूंकि ज़्यादातर वो बिजनेस वाले लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जितनी आप सप्लाई कम होगी तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इथेरियम के पास जो एग्जिस्टिंग करेंसी है वो कम है अब, और लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि हम या आप लोग, आप किसी स्पेसिफिक 3 इथेरियम या 4 इथेरियम या 5 इथेरियम, मैक्सिमम 10 इथेरियम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े मुल्क में जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म पे, और इस इथेरियम का जितनी भी कंपनीज का जो 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 नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की तरफ है। तो नज़र तो ये आना है कि 10K और 20K के दरमियान, और देखिए सप्लाई एंड डिमांड की बात का मकसद मतलब ये है कि जितनी आप डिमांड ज़्यादा होगी तो लेस सप्लाई होगी, चीज़ की लोग ज़्यादा मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज़ या ये बुक या ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। अब जब लोग ज़्यादा आएंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि हर एक शख्स को वो चीज़ पहुँचे, बहुत स्पेसिफिक लोगों तक वो चीज़ पहुँच जाएगी, तो इस वजह से इथेरियम का जो एग्जिस्टेंस करेंसी है वो बहुत कम है। बहुत कम से मतलब ये है कि लोगों की डिमांड के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो उस स्टेज तक जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि इथेरियम
मार्केट तो ऊपर चला जाएगा लेकिन क्या ये वापस नीचे आएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। अब अगर मैं ज्यादा लोग एक ही करेंसी को खरीद रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ मेरे पास या किसी ओनर के पास शायद ये करेंसी रही ना रहे। ओनर के पास जिसने बनाया है, चाइना वाला जिसका नाम मैं बोल चुका हूँ, लेकिन उसके पास शायद ये करेंसी हो ही ना, सेल सारी करेंसी सेल आउट हो के लोगों के पास हो, तो फिर इसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। एडीए के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि एडीए का भी सेम सिचुएशन है। एडीए आज जो कि 2.6 पे जा रहा है, 2.6 यूएसडीटी पे है, लेकिन आने वाले कल में इसका जो सिचुएशन है वो जाएगा 10 यूएसडीटी को टच करेगा, क्योंकि वही यही करेंसी है। एडीए के बारे में क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग अगर करता हूँ तो एडीए को ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ, जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो एडीए करेंसी में हमेशा बाय और सेल इसी पर मैं ज़्यादातर फोकस होता है। तो इसका भी जो सिचुएशन है वो यही है कि वो 10 यूएसडीटी को टच करे। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज लीक हो गई या किसी कंट्री ने उसको बैन कर दिया तो शायद ये 10 यूएसडीटी को टच ना करे, 2.5 2.6 पे अभी चल रही है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो एडीए के ग्राफ में रुझान जो है वो बहुत कम है, उसका ग्राफ इंक्रीज ही होते जा रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो कि हमें मिल रहा है कि मार्केट आने वाले कल में किस किस सिम्बल में जाएगी। अगर आपको करेंसी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या बाइनेंस के बारे में किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं तो बेसिक मालूमात हासिल करके आप वीडियो देख सकते हैं और आप ऑटोमेटिकली, मैं आपको रेफर करूँगा कि एडीएल है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं, मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल को ज़्यादा लोग कमेंट्स करते यार तू नहीं कहा था भाई, तूने कहा था कि ये इसको जाएगा, आज नहीं गया, बता कौन सी बात। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ, जिस चीज पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि भाई आप भी इस पे करें। मैं कर रहा हूँ तो जो चीज मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए भी पसंद करता हूँ। तो मार्केट की सिचुएशन है, अगर आपको नहीं पता तो आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि करें, शायद कि उस टाइम तक ना पहुंचे, लेकिन हाँ इससे भी नीचे नहीं आएगा क्योंकि सारा गेम जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। सो और दूसरी बात कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था मूवी के एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के नाम से जो इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं उसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे, किस तरह देखेंगे, तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, बस इतनी सी न्यूज़ थी कि मार्केट के आने वाले कल में क्या सुझाव होंगे वही आप लोगों के साथ शेयर करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।